हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो जी देखो, मेरी मेहंदी अभी मेरे आटे के हाथ हो रहे हैं। देखो दोनों हाथ पर क्लियरिटी बाद में दिखाऊंगी। जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो डाल ली है मेहंदी है रचने वाली वो वाली। और जो है मैंने सुबह सुबह सबसे पहले ना मिठाई बनाई है, तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसी बनी है कैसी नहीं, क्योंकि फिर शाम के टाइम जब फास्ट बन लगे तो मिठाई वगैरह चाहिए तो दुकान से जो है ना अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैंने जो है घर पर ही बनाई है, मावा निकाल के और नारियल का बुरदर डाल कर, तो बहुत ही अच्छी बनी है। हमारी बर्फियाँ जम के हो चुकी है तैयार, तो अब मुझको निकालना है। बिल्कुल अच्छी सेट होगी, देखो चक्कू से कट कर दी है। हम निकाल देते हैं इनको। तेल तो निकालना पड़ा। तो देखो जी हमारी चक्कर चक्कर आई है। हम देखो जी कुछ साफ पीस, देखो बिल्कुल सेट और बहुत अच्छी जो है बन गई है। देखो सारे पीस और डब्बा खाली करते हुए उसमें पकनी, क्योंकि इस ना आ जाते हैं। हाँ जी, चिकन हमारे घर के बनकर तैयार है शाम के लिए। और जो है सबको तो बहुत सी करना पड़ेगा और बड़ी चीज से अब बर्तन धोने। और जो है गौरी को बिठा लिया है हमने पास। देखो जी ये ना, ये मेरी क्यूट सी लड़की बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। लो अपना टैडी ले लो। टैडी कहाँ आपका टैडी? ये मेरे बेटे के तकिया है ना, छोने का। कैसे सोओगे आप? यहाँ सोओगे? यहाँ सी? तो जी देखो मेरी मेहंदी देखो, और इस वाले हाथ की ये देखो, और पीछे की ये है बैक। तो बैग तो कम ही होगी देखो। और जो है मेहंदी जो लग चुकी है, रात ही लगवा ली, तो सुबह मैंने धुल ली थी। सुबह क्या, रात में धुल ली थी 2 घंटे के बाद, क्योंकि फिर इसको दूध भी पिलाना पड़ता है और रात में देना पड़ता है। और अब मैं आई हूँ बाल वॉश करके। तो बाल जो है मेरे सूख गए, मैंने पंखा चला रखा था तो बाल हमारे सूख चुके हैं। और अब जो है मैंने देखो रेड लगाया है और प्यू ने भी लगाया है। चप्पल बाहर निकाल कर, और ये मैंने पहनी है अपनी गोल्ड वाली रिंग, ससुराल वालों ने मेरी सगाई में दी थी वो वाली। और मेरे दोनों बच्चे जो है सबसे पहले बच्चे दोनों। और गौरी का देखो भाई, कल ना इसका मधुमक्खी ने काट लिया और कल से ना इसका बुखार हो रहा बस। तो कल से गोरी का जो है बुखार हो रहा है, तो इस वजह से ये ज्यादा ना गोरी का मधुमक्खी ने काट लेता है। तो इस वजह से जो है ना गोरी बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। और देखो मेरे बाल, और ये है मेरे बैक मेहंदी, और ये है राइट उनकी सीधी तरफ से, और ये है उल्टी तरफ से, और ये है मेरी गोल्ड रिंग। तो कमेंट्स करके बताना कैसी। और ये देखो जी ये प्यू की है, प्यू ने ना थोड़ी देर ही रख कर धुल दी। और ये है मेरे दूसरे वाले हाथ की, और बैग ये है सिंपल सी। तो जी चलो जो है अब जो है रेडी होना है। तो मैंने सोचा सबसे पहले जो है अपना व्लॉग जो है एडिट कर देती हूँ, फिर तो शाम तक जो है बिल्कुल भी फ्री नहीं है। और वंदना जो है मेरी साड़ी वगैरह लेकर आ रही है, मैंने निकाल के अंदर जो है स्टोर रूम में रख दी है, क्योंकि बाहर जो है ना ये देखो जैसे अब लगी हुई है ना ऐसे ही लगी रहती है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ता है।
अब जो प्यून है ना, मुझे पाजेब और चुपटी और ईयर मतलब कि रिंग वगैरह पहनने ना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया। तो कानों के तो मैं चेंज नहीं करूँगी। और ये आ गई है, यहीं पर याल ही ले गए। तो ये है इसमें प्यू का पिंक कलर का लहंगा और ये है मेरी साड़ी। तो चलो जी दिखाते हैं हम आपको। और जो है तैयार होकर कहानी वानी सुन के, तो दूसरी जो वीडियो है वो आएगी शाम के टाइम, तो लेट हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन जो है आज एक साथ दो लोग आएंगे। जो टाइम लग गया तो बच्चों के साथ में, क्योंकि ना गोरी जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है रो रही है और जो थोड़ा सा परेशान भी कर रही है, इसका मधुमक्खी ना काट लेता, इस वजह से सो रही है नहीं है, आराम से खेलती रहा। देखो अभी तो खेल रही है, रोती रहती है बस। और गर्दन पे काटा है पीछे यहाँ पे, और जो है साला गला वाला जो है बिल्कुल सूज रहा था रात तो। अब तो बहुत कुछ सुधार है तबीयत में गोरी की, तो जो इसलिए खेल भी रही। तो चलो अब जो है मुझे तैयार होने जाना है, तो पड़ोस में ही है जो हमारी जिठानी लगती है, तो उनके पास में जाना है साड़ी बनवाने के लिए, क्योंकि साड़ी ना मेरे से अच्छी तरह से बांधनी नहीं आती, तो इस वजह से साड़ी बनवाने के लिए उनके पास जाना। तो मैंने मगर फिर टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से मैंने अपना जो सारा काम है निपटा दिया, घर का कपड़े वगैरह धुल लिए हैं। तो जो है 11 बज चुके हैं, अब आराम से रिलैक्स फ्री होगा, तैयार होंगी। तो अब मैंने फ़ोन भी कर दिया वंदना के डैडी को कि घर आ जाओ गोरी को रख लेना। तो जी एक दिन तो कहीं नहीं, थोड़ा लेट सवेर तो पशुओं का चारा लेके आ जाएंगे बस, फिर ये नहीं रहने का कि पशुओं का चारा भी लेने जाना नहीं जाना। तो इस वजह से मैं सुबह इस जल्दी चले गए थे। और ये है मेरा मंगलसूत्र, तो ये मैंने वंदना के मामा की शादी में जो है चेंज किया था, मेरा टूट गया था। और ये है न्यू,